दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक सर्वदलीय और सार्वजनिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जिस तरह पक्ष और विपक्ष की राजनीति को परे रखते हुए वक्ताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी, उससे एक बार फिर साबित हुआ कि उनका निधन वाकई भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। शांति मंत्र प्रस्तुत करेंगे, सभी शांति मंत्र के पश्चात ही इस सभागार को छोड़ेंगे। शांति शांति दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिग्गजों का जमावड़ा इस बात की गवाही दे गई कि अटल बिहारी वाजपेयी सियासत के इकलौते ऐसे समंदर थे जिसमें अलग अलग विचारों वाली ढेर सारी धाराएं एक हो जाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस सार्वजनिक और सर्वदलीय प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के साथ साथ अटल जी के अनन्य सहयोगी लालकृष्ण आडवाणी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। सबने अपने अपने तरीके से अटल जी को श्रद्धांजलि दी। शरीर ने जब तक साथ दिया वे जिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। बहुत कुछ पाया अटल जी से और इसीलिए दुख होता है कि वो हमको छोड़ करके और हमसे अलग हो गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इस देश ने बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए, अगर हाल के आज में देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी हमेशा याद रहेगा। खबर तो समझिए कि अटल जी की शख्सियत में ऐसा क्या था जिससे विरोधी विचारधारा वाले भी उनसे आकर्षित होते थे। कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में अकेले ऐसे शख्स थे जिनसे विरोधियों को भी शिकायत नहीं होती थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अटल जी की शख्सियत के कायल थे और भविष्य का प्रधानमंत्री उन्हें बताया था। देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर देश का दिल जीत लिया था। देश के इतिहास में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा भी किया। अटल जी को गठबंधन सरकार का प्रणेता कहा जाता है और संघ और बीजेपी की विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के समर्थन से सरकार चलाकर उन्होंने मिसाल पेश की थी।